नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हैथवे केबल कंपनी पर अवैध कब्जा करने वाले गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धोखाधड़ी कूट रचना उजागर। विदा लेते मानसून ने लगाई बारिश की झड़ी, गरज बरस का मौसम कुछ दिनों तक रहेगा जारी। और ब्रिटिश कालीन रेलवे की इमारत को बचाने बिलासपुर एकजुट, विकास के लिए धरोहर से समझौता नहीं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। केबल व्यवसाय में एकाधिकार की लालच में अपराधी बने गुरुचरण सिंह होरा पर आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। हैथवे कंपनी के भागीदार ने धोखे और षड्यंत्र से करोड़ों हड़पने, जालसाजी करने का आरोप लगाया है। होरा, उनके बेटे और एक बड़े कारोबारी के खिलाफ राजधानी के देवेंद्र नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक दबाव के दम पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने, फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, गबन करने, आपराधिक साजिश रचने के मामले में रायपुर के देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की शिकायत पर भू माफिया गुरुचरण सिंह होरा, उनके बेटे तरणजीत सिंह होरा, गुरमीत सिंह भाटिया और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी गुरुचरण सिंह होरा ने वर्ष 2019-20 में हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड में भागीदार गुरमीत सिंह भाटिया के कंधे का सहारा लेकर हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अवैध रूप से प्रवेश करना चाहा। कारोबारी ने आरोप लगाया है कि गुरुचरण सिंह होरा ने तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा का डर दिखाकर ऑफिस में बंधक बनाया, जबरन कोरे कागज पर साइन कराने का प्रयास किया, फिर षड्यंत्र कर कंपनी पर कब्जा कर लिया। तथ्यों और प्रार्थी के बयानों से साफ हुआ कि केबल व्यवसाय में एक छत्र राज करने की नियत से गुरुचरण सिंह होरा ने उच्च अधिकारियों का डर और भय पैदा कर धीरे धीरे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। यही नहीं, गुरुचरण होरा ने पूर्ववर्ती सरकार में अपने रसूख के दम पर केबल व्यवसाय से जुड़े 20 लोगों के ऊपर प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों में फर्जी एफआईआर दर्ज कराया। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019-20 में हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड का अल्प भागीदार गुरमीत सिंह भाटिया का रिश्तेदार गुरुचरण सिंह होरा कंपनी के कार्यो में आपराधिक नियत और दुर्भावना से हस्तक्षेप कर खुद को कंपनी का मालिक बताने लगा। वो अक्सर कहता कि कंपनी में गुरमीत सिंह भाटिया द्वारा लगाया गया पैसा उसका है और गुरमीत सिंह भाटिया तो केवल नाम का पार्टनर है। यह भी बताया गया कि कंपनी के डायरेक्टर की फर्जी उपस्थिति दिखाकर आरोपी गुरुचरण सिंह होरा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गुपचुप तरीके से अवैध रूप से बैठक बुलवाई और उस बैठक में आवेदक अभिषेक अग्रवाल की उपस्थिति दर्ज करा दी, जबकि डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल उस बैठक में नहीं गए थे। गुरुचरण सिंह होरा और उनकी टीम ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड को अभिषेक अग्रवाल की बिना सहमति और बिना हस्ताक्षर के कूट रचना कर धोखाधड़ी से कंपनी का नाम ग्रैंड अर्श मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कर लिया और कंपनी के सारे उपकरण, कार्यालय, फर्नीचर, दस्तावेज अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। कंपनी के करीब 48,500 नग सेटअप बॉक्स, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4,25,00,000 रुपए है, छल और धोखे से अपने अवैध कब्जे में लेकर नई कंपनी में लगाकर इस्तेमाल किया। साथ ही गुरुचरण सिंह होरा ने कंपनी के हक हिस्से का लगभग 150 किलोमीटर फाइबर केबल और अन्य तकनीकी उपकरण रातों रात गायब कर दिया। इसी प्रकार कंपनी के सेटअप बॉक्स को अपनी कंपनी में अवैध रूप से धोखाधड़ी और छल से हासिल कर उपयोग करने का प्रमाण ग्रैंड विजन रायपुर द्वारा भेजे गए ईमेल में मौजूद है, जिसमें हैथवे सीसीएन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के 48,659 सेटअप बॉक्स को टेक ओवर करने की स्वीकृति, प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज मिले हैं। सारे सबूतों और बयान के आधार पर देवेंद्र नगर थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल को लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के लिए भी क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। NHMRC की टीम ने 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य किया था। इसमें NQAS के लिए 8 विभागों, दुर्घटना और आपातकाल ब्लड बैंक, IPD, लेबोरेटरी,
ओपीडी, मैटरनिटी वार्ड, फॉर्मेटी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का आकलन किया गया था। आकलन में बिलासपुर जिला अस्पताल का ओवरऑल स्कोर 84.45% रहा, जिसके आधार पर उसे क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण को उनके प्रयासों और इस उपलब्धि पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बधाई दी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सहयोग देने वाले अन्य विभागों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, पूरे देश भर के अस्पतालों में किए गए सर्टिफिकेशन में जिला चिकित्सालय को ये उपलब्धि मिलना सभी जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि से अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। जिले के लिए खुशी और गर्व की बात है कि हमारा बिलासपुर का जिला अस्पताल राष्ट्रीय स्तर की जो गुणवत्ता जो मानकीकरण होता है उस पर खरा उतरा है और आज ही उसको NQAS जिसको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत जो राष्ट्रीय स्तर का जो गुणवत्ता प्रमाणन है आज जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर हमारे सिविल सर्जन, उनकी पूरी टीम, CMHO और जिला प्रशासन के अन्य जो विभाग हैं जिन्होंने इस काम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इसके साथ साथ जिला अस्पताल के सभी स्टाफ, सभी मेडिकल और नॉन मेडिकल जो स्टाफ है हमारे, सभी लोगों को बधाई। बिलासपुर के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है और बहुत खुशी का विषय है कि हमें राष्ट्रीय स्तर के NQAS, NCH और MUSCAN सर्टिफिकेशन की प्राप्ति हुई है। इस अवसर पर मैं अपने जिला अस्पताल परिवार के हर चिकित्सकीय एवं गैर चिकित्सकीय हर सदस्य को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी के अथक प्रयास से हम इस सर्टिफिकेशन को हासिल कर सकें और इसको प्राप्त करने में हमारे हॉस्पिटल के सलाहकार डॉक्टर सैफ अली कुमावत एवं अन्य संपूर्ण चिकित्सकीय स्टाफ ने निरंतर दिन और रात सारे मापदंडों की पूर्ति में जो कार्य किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नगर सैनिकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बिलासपुर संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी परसदा स्थित अग्निशमन और SDRF मैदान में आगामी 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इसके मद्देनजर मंगलवार को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मैदान का समतलीकरण, घेराबंदी और विभिन्न इवेंट व्यवस्था, मेडिकल स्टाफ, पेयजल समेत अन्य दूसरी व्यवस्था उपलब्ध कराने कहा है। मौसम ने एक बार फिर करवट लिया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और इस दौरान प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार शाम से रिमझिम और मध्य बारिश अगले दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की भी आशंका है। बिलासपुर में मंगलवार दोपहर होते होते बारिश का सिलसिला 12 घंटे बाद थम गया। कहा जा रहा है इसके बाद मानसून की गतिविधियों में कमी आ सकती है, जिससे प्रदेश में बारिश पूरी तरह थमने की संभावना है। हालांकि इस बीच हल्की और मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में रिमझिम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 13 सितंबर तक छिटपुट बारिश होगी। 10 सितंबर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। इसके बाद 13 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हाईटेक बस स्टैंड को जिस मकसद से तैयार किया गया था वह फलीभूत नहीं हो सका। निर्माण के बाद माना जा रहा था कि यहां सभी यात्री सुविधाएं मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। वर्तमान में कई जगहों पर तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में बस में सफर करने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य की बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अन्य साधनों की तलाश और तकलीफ भरा सफर करने मजबूर हैं। मंगलवार को भी यहां कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कुछ मार्गों की बसें बंद थी, जिसके कारण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इससे पहले अमृत भारत योजना को मूर्त रूप देने बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक बिल्डिंग ढहा दिया जाए, अब विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बिलासपुर के पत्रकार ऐतिहासिक धरोहर को बचाने मुहिम चलाएंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब के आह्वान पर मंगलवार को सामाजिक संगठनों, साहित्यकार और चिंतक वर्ग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक बिल्डिंग गौरव बचाने रेलवे महाप्रबंधक और DRM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में शामिल बिलासपुर वासियों ने अपने विचारों में कहा, बिल्डिंग को सहेज कर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह बिलासपुर की 135 साल पुरानी पहचान है। रेलवे प्रबंधन से शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने पर सहमति बनी है। असल में क्या है कि नागरिकों के मन में जो कुछ है वो तो उनके मन में है, अब उसे आवाज़ देने का काम जो है वो प्रेस का है, और प्रेस क्लब ने जो पहल की है उससे नागरिकों के मन की आवाज़ जो है वो अन्य नागरिकों तक पहुंचेगी, रेलवे प्रशासन की ओर पहुंचेगी और केंद्रीय शासन की ओर पहुंचेगी, तो आया तो है। बिलासपुर के लोगों का विकास से विरोध नहीं है, विकास एक तारतम्य में होना चाहिए, और पुरानी इमारतों को यदि संरक्षित करके विकास किया जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि बिलासपुर रेलवे के पास बहुत अधिक स्थान है जिसमें कि नए ढंग का विकास जो ये सरकार चाह रही है या रेलवे प्रशासन चाह रहा है उसे सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं कि समाज जिस रफ्तार से बदलता जा रहा है, तो हमारे परिवार की व्यवस्था बदल गई क्योंकि हमने कुछ धरोहरें बचाई नहीं, संस्कारों में भी वो धरोहरें हैं हमारी, केवल बिल्डिंग में नहीं है। तो धरोहर का ये मतलब है कि उसके लिए लोगों ने जो त्याग किया है या जिन लोगों ने उसको बनाया है उस समय से और वो इतने साल तक बनाए रखा है, तो ये उसका प्रतीक है। शिक्षा के मंदिर में बियर पार्टी करने की घटना ने साबित कर दिया कि नशे की अंधी दौड़ में ग्रामीण बालाएं भी शामिल हो गई हैं। सोशल मीडिया में वायरल शर्मसार करने वाली तस्वीरें और जांच में मसूरी ब्लॉक के भटचौरा शासकीय स्कूल प्रबंधन को दोषी पाया है। पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल भटचौरा का है, और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की है वो 29 जुलाई की है। इसकी पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया, बेहद गंभीर मामला होने से तत्काल जांच के आदेश दिए थे। मस्तूरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एक प्राचार्य ने मिलकर भटचौरा स्कूल के शिक्षकों, ग्रामीण पालकों और स्कूल रूम में साथी छात्रा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली छात्राओं का बयान दर्ज किया है। टीम को निरीक्षण में स्कूल के भीतर काफी अनियमितताएं मिली है, जगह जगह बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, शराब की खाली बोतल देख सदस्य हैरान है। क्लास में बियर पार्टी करने के मामले में शासकीय स्कूल भटचौरा के प्रिंसिपल LC वारे पर निलंबन की गाज गिरना तय है। 29 जुलाई 2024 की घटना है जिसमें लंच के समय बालिकाओं के द्वारा बर्थडे पार्टी के रूप में मना रहे थे, जिसमें स्प्राइट की बाटल और कुछ बियर की बाटल जैसा और बाटल रखा हुआ था। तो शिकायत में आया कि बियर का बाटल है वो, तो इसको गंभीरता से लेते हुए जांच कराया गया है। तो जांच वाले टीम के द्वारा ये कहा गया है कि इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, और ये संस्था प्रमुख के ऊपर ये पूरी जवाबदारी है कि स्कूल जैसे जगह में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्राचार्य प्रथम दृष्टा दोषी पाया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम उच्च कार्यालय को लिखेंगे। पूरा वाकया बीते 29 जुलाई दोपहर का बताया जा रहा है। छात्राओं के क्लास में पार्टी करने की जानकारी वहां के शिक्षकों को थी, लेकिन वहां बियर पिया जा रहा था इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। 1.5 महीने बाद अचानक सोशल मीडिया पर बियर की बोतल और हाथों में डिस्पोजल वाली क्लास रूम में छात्राओं की तस्वीरें वायरल हो गई। खाली बोतल क्लास में मिलने की जानकारी छात्राओं ने अपने बयान में दिया है, तब भी ये मामला उतना ही गंभीर है। विस्तृत रिपोर्ट के बाद कौन है दोषी और उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ये तय हो जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो TV, बिलासपुर। चुचुहिया पारा गणेश नगर स्थित श्री महामाया मंदिर परिसर में मंगलवार को हनुमान लला पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस अवसर पर शहर और वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शंख, घंटे, घड़ियाल और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा कर मंगल कामना की गई।
चुचिया पारा गणेश नगर में रेल लाइन के किनारे हनुमान मंदिर बिलासपुर रायगढ़ के बीच चौथी लाइन बिछाने आड़े आ रहा था। रेलवे अधिकारियों ने इसे वार्ड के नागरिकों के सहयोग से महामाया मंदिर परिसर में शिफ्ट कर दिया। महामाया परिसर में बनाए भव्य मंदिर में हनुमान लला की पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंगलवार को रखा गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावा रेलवे के अधिकारी और ठेकेदार शामिल हुए। विगत 50 वर्षों से अधिक समय से महामाया मंदिर से लोगों का जुड़ाव है। शहर से लेकर आसपास से लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अब हनुमान लला मंदिर की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वार्ड के लोगों में इसको लेकर खुशी है। भगवान हनुमान जी संकट मोचक इसे कहलाते हैं क्योंकि भगवान राम के भक्त होने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो हनुमान जी के मंदिर भगवान राम से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति का राह दिखाई, उन्होंने हमें सेवा की राह दिखाई, उन्होंने हमें लोगों को मदद करने की राह दिखाई। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। हम सब हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज और हमारे गणेश नगर और हमारे जो यहाँ पर लोग हैं वो सब लोग अपने अपने किस्म की मनोइच्छाएं पूरी हो। आज उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। हम सब गौरवान्वित हैं क्योंकि हमारे मंदिर हमारे वार्ड में एक अच्छे मंदिर की स्थापना हुई है। मैं आज इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे बुद्धिजीवियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और चूँकि मंदिर में लोगों की आस्था है, भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, इस वार्ड का विकास हो, शहर का विकास हो, ऐसी कामना करूँ। मंदिर स्थापना को लेकर पूरे वार्ड में उत्साह का माहौल है। महामाया मंदिर समिति के सभी सदस्यों ने पहले ही तैयारी पूर्ण कर लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर और वार्ड के गणमान्य नागरिक, पूजा समिति के सदस्यों सहित कई लोग शामिल हुए। लोकस्व टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद भी तिफरा हाईटेक बस स्टैंड की दशा और दिशा नहीं बदल सकी है। यात्री सुविधाएं तो दूर की बात, नगर निगम की अनदेखी और उपेक्षा से यहाँ के हालात दयनीय हो चुकी है। चारों ओर अव्यवस्था और गंदगी का आलम है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जगह जगह जल जमाव और बदबू से परिसर में खड़ा रहना मुश्किल होता है। निगम को हैंडओवर होने के बावजूद हाईटेक बस स्टैंड की स्थिति जस की तस है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। सरकारी पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर सेमरताल निवासी 60 वर्षीय बैजनाथ यादव का हम उम्र पड़ोसी साकेत बिहारी कौशिक से विवाद चल रहा था। सोमवार को दोनों के बीच इसे लेकर फिर से विवाद हुआ। बताया जाता है कि क्रोध में आकर बैजनाथ ने धारदार हथियार से साकेत बिहारी की गाँव में सरेराह हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। कोनी पुलिस ने वारदात के अगले दिन से गिरफ्तार कर लिया। कोनी थाना क्षेत्र में ग्राम सेमरताल में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दो पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिस पर से एक पड़ोसी के द्वारा दूसरे को मार दिया गया है। तत्काल पुलिस ने मर्ग एवं अपराध कायम किया और आरोपी पता तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर तत्काल ही जो है लगभग 12 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शासकीय कन्या छात्रावास पचबेड़ी की छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप और शिकायत सही पाए जाने पर अधीक्षिका संगीता टंडन को यहां से हटा दिया गया है। छात्रावास में गुणवत्ताहीन भोजन, दुर्व्यवहार और कई कमियों को दूर करने की मांग कर रही छात्राओं ने पचबेड़ी मस्तूरी जोंधरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। मौके पर तहसीलदार माया अंचल लहरे, मस्तूरी विकास खंड शिक्षा अधिकारी शिवराम टंडन, पुलिस बल और ग्रामवासी पहुंचे थे, जो बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाइश देकर वापस भेज दिया। शिकायत पर मसूरी बीओ शिवराम ने प्रारंभिक जांच में सही पाया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने अधीक्षिका को छात्रावास से हटाकर पास के मानिक चौरी हाई स्कूल उनके मूल स्थान पर भेज दिया है। मामले की विस्तृत जाँच और बयान लिया जाना बाकी है। छात्राओं के वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत की जाँच भी करने डीओ ने कहा है। मस्तूरी पचपेड़ी 100 सीटर कन्या छात्रावास की बालिकाएं चक्का जाम किए थे। उसके अपने विभिन्न मांगों के आधार पर अधीक्षिका को हटाने का उनका मुख्य मांग था। तत्काल अधीक्षिका को हटाकर दूसरे शिक्षिका को उसकी वार्डन बनाया गया है।